हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमलेस डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक 12 फीट बाय 17 फीट के हाउस डिज़ाइन के बारे में, जिसका टोटल एरिया 204 स्क्वायर फीट होता है। अगर इसको हम गज़ में बताएं आपको तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 गज़ होता है इसका एरिया। दोस्तों, ये जो आप हाउस डिज़ाइन देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ है, जिसमें आपको 1,20,000 रुपये ही मिलते हैं घर बनवाने के। दोस्तों, ये अमाउंट अब घट गया है। पहले ये अमाउंट 2.5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब ये 1,20,000 रुपए ही मिलता है। तो ये 1,20,000 रुपए में ये हाउस तैयार किया हुआ है। इसमें जो आपकी लेबर कॉस्ट आने वाली है वो 24,000 रुपए आएगी। इस घर के तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है। तो अब हम इस हाउस की आपको कम्प्लीट डिटेल बताएंगे, किस चीज़ का हमने क्या क्या साइज दे रखा है, अंदर में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट एलिवेशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट एलिवेशन जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये सामने जो आप देख सकते हैं मिडिल में, ये आपका मेन डोर है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बराबर में आप देख सकते हैं ये दूसरा डोर है, टेरिस पे जाने के लिए है ये डोर। और मेन डोर के बराबर में आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टर का डिज़ाइन दे रखा है। हमने इसमें कोई टाइल यूज़ नहीं की, सिर्फ हमने इसमें पेंट का यूज़ किया है। ये प्लास्टर का डिज़ाइन है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने जाली लगाई है वेंटिलेशन के लिए, जाली का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। बाहर हमने प्लांटेशन के लिए जगह रखी है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों, ये इसका मेन गेट है जो 3.5 फीट का है। जब हम इसके अंदर आएंगे तो हमें कुछ इस तरह से इसको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिल जाता है लॉबी प्लस किचन एरिया। जो इसका साइज़ दे रखा है वो हमने 8 फीट बाय 7 फीट का दे रखा है। इसमें हमने ओपन किचन दिया है जो एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और किचन का वेंटिलेशन इस जाली के थ्रू हो जाएगा। इसके बाद हम अंदर चलते हैं। ये आपको एक बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम का साइज़ जो दे रखा है वो हमने 8 फीट बाय 9 फीट का दे रखा है। और बेडरूम के साथ साथ आपको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगी, जिसका साइज़ दे रखा है हमने 3 फीट बाय 6 फीट 2 इंच। और इसके बराबर में आपको शाफ्ट मिल जाएगी। शाफ्ट के बारे में आपको पता होगा कि इसमें से वेंटिलेशन ईजीली हो जाता है। यहाँ से आपका रूम का भी वेंटिलेशन होगा और टॉयलेट बाथरूम का भी वेंटिलेशन आपका इजीली हो जाएगा। अभी जब हम टेरेस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये वेंटिलेशन शाफ्ट दिखती है ऊपर से। तो अब हम इसके स्टेयर की बात कर लेते हैं। स्टेयर की जो लेंथ दे रखी है मैंने वो 3 फीट की दे रखी है। और इस पे जो हमारा पैर रखने वाला है, जिसे हम ट्रेड कहते हैं, वो 8 इंच का दे रखा है हमने। आप इसको आधा इंच और बढ़ा सकते हैं नोजिंग के थ्रू। और इस पैरी की जो हाइट है, जिसको हम राइजर कहते हैं, वो 9 इंच का दे रखा है हमने। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्पायरल शेप मिलेगा, क्योंकि जगह नहीं है इस वजह से हमने इसको स्पायरल में बनाया थोड़ा। जब आप स्टेयर से ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपका डोर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका भी। इसके बराबर में हमने एक वेंटिलेटर भी दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई है। फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे टैंक भी रखा है, 500 लीटर की टंकी रखी है हमने यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया था, टॉयलेट के बराबर में हमने शाफ्ट दे रखी है, जो ऊपर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने जाल लगाया है और इसके ऊपर हमने गिलास भी लगा रखा है। अगर बारिश होती है तो पानी डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये 12 फीट बाय 17 फीट का हाउस डिज़ाइन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।